क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे होंगे। तो गाइज आज कुछ सब्सक्राइबर्स आए हुए थे और उन्हीं लोगों के साथ में आज का ये नाइट ब्लॉग बनने वाला है। और थोड़ी है क्या कि अभी हम लोग कुछ देर बाद जाएंगे अपने क्रिकेट ग्राउंड के पास में, और उस जगह से ही थोड़ी आपको वाइल्ड लाइफ दिखाने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगी ही। तो सबसे पहले आपको मिला देता हूँ मैं जो मेरे साथ में आए हुए हैं सब्सक्राइबर्स, या कह लीजिए जिनके साथ में आया हूँ अभी मैं। तो सबसे पहले जिनसे मैं परिचित था वह हैं सामने हमारे भैया। हेलो सभी फ्रेंडों को, सब लोग कैसे हैं? ठीक है। तो ये हैं हमारे राजा चौधरी भाई जी, तो इनके साथ में आ जाए थे। बाकी इनके कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, शुभम डालिया। तो ये हैं भैया दोनों, सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ चपाना, शुभम और सिद्धार्थ जी। तो इन्हीं के साथ आज नाइट ब्लॉग होने वाला है, बेहतरीन नाइट ब्लॉग है ना। तो देखो आज क्या चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। कॉलिंग की आवाज आ रही है अभी राजा भैया को, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी थोड़ी हम लोग निकल चुके हैं गांव के अंदर, क्योंकि अभी काफ़ी समय से इस जगह पे चल रही थी कॉल, और अलर्ट कॉल चल रही है अभी स्पॉटेड डियर की, है ना। कुछ इस तरह का अभी नज़ारा रात के समय है गांव से। और अभी साथ में तो काफ़ी सारे लोग हैं, अभी आपको क्रिकेट ग्राउंड में जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी हैं साथ में, उन्हीं के साथ आज ये नाइट ब्लॉग अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाकी जंगल से किस तरह की हलचल अभी गांव के आउटसाइड से या क्रिकेट ग्राउंड के पास से देखने को मिलती है, वो देखने की चीज़ होगी। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि सामने ये क्रिकेट का ग्राउंड है, और इस जगह पे कहीं आसपास हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। ये देखिए सामने अभी हमें दिखाई दिए स्पॉटेड डियर, देखें कितने सारे हैं, काफ़ी जहाँ जहाँ तक भी अभी लाइटें जा रही ना, इनकी आँखें चमकती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए सामने है, ये देखिए इस जगह ही नहीं गाइस, आगे की तरफ भी काफ़ी सारे एनिमल्स होंगे, काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है कि जब रात होती है ना, फिर सभी वाइल्ड लाइफ गांव के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ें तो हैं अभी यहाँ पर, और आपको लाइटिंग वाइटिंग का क्या सीन है पूछना है मदन से, ये प्रेस होने का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। तो साथ में राजा भैया भी आए हुए हैं, है ना, काफी दूर हो रही है अभी चीजें अभी थोड़ी। तो राजा भैया कैसा लग रहा है आपको? और आपके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है। और दो भाई लोग और भी हैं, शिवम भी आ रखे हमारे, ठीक है। तो इन लोगों के साथ चपराना एंड शिवम डालिया जी भाई। चलो आज की रात इन लोगों के साथ में अभी एंजॉय की जा रही है, और सामने इन लोगों को अभी क्रिकेट ग्राउंड के पास में लेकर आए, तो यहाँ पे हमें स्पॉटेड डियर का झुंड देखने को मिला है। अगर इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए तो हम थोड़ी अगर इस साइड को भी चलेंगे ना, तो इस साइड भी हमें आंखें नजर आएंगी जो कि स्पॉटेड डियर ही होंगे आई थिंक। और बाहर का नज़ारा तो गाइस अभी कुछ ऐसा ही है, तो थोड़ी देर बनते हैं इस जगह पर, है ना, क्योंकि थोड़ी देर इस जगह पर रुकना सही होगा। अभी तो ये सारे स्टेबल नजर आ रहे हैं, क्यों वैसे अभी कोई कॉलिंग की आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, बस अभी तो ये सारे इकट्ठा हो गए। अभी जब हम घर से निकल ही रहे थे ना,
उससे पहले कॉल ही हो रही थी यहाँ पे, नी भी तो ये कॉल होने लग गई थी शाम को 8:30 बजे से, और अभी तो फिर टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, 11 बज गया, मैं होने को तो पूरी रात है अपने पास, हमारे पास तो पूरी रात है ना। बाकी है कि यार देखो फॉरेस्ट है जंगल है, ये तो लक पे भी डिपेंड करता है, है ना, क्योंकि हम आए इमीडिएटली कोई चीजें सीन तो होती है नहीं, जंगल बहुत बड़ा है और टाइगर और क्वांटिटी में क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, ऐसी नहीं है कि क्वांटिटी कम है, सामने हमें डियर की क्वांटिटी दिखी वो भी काफी है। अब ये देखो कितनी कितनी है, 50 से तो ऊपर ही नजर है, ये देखो उसमें मेल और फीमेल दोनों है, जो जिनकी वो है ना एंटीलर सींग है ना जिनके, वो मेल है, बाकी फीमेल, हाँ बाकी जिनके सर पे सींग नहीं दिखाई दे रही है वो फीमेल है। देख रहे हो ये पूरी रात इसी ग्राउंड पे रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अंदर गांव में घुस जाएंगे सुबह होते होते तक। तो ये नजारा है गाइस अभी इस जगह का, बारह सिंगा नहीं है, सारे स्पॉटेड डियर ही है, स्पॉटेड डियर है, मेल है वो मेल है, एक ही है क्या मेल और भी होंगे, अभी वो बड़ा है ना थोड़ी तकड़ा है तो दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाइस क्या प्यारा नजारा है, अभी मजा ही आ गया, बच्चा कितना प्यारा है, बड़ा छोटा सा बच्चा, बच्चे भी हैं साथ में। वाह यार आपका कैमरा क्वालिटी तो और भी अच्छी आ रही है। शुभम भाई का फोन है ना, टॉर्च किधर है, ये देखिए थोड़ी हलचल हुई है इस जगह पे, ये भागना स्टार्ट कर रहे हैं है ना। एकदम से भागे थे अभी, बट अभी फिर से स्टेबल हो चुके हैं, देख रहे हैं भाई आपस में ही मस्ती कर रहे हैं। थी तो फाइनली गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस क्रिकेट ग्राउंड से, है ना। तो इस जगह पे हमें अभी काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिले थे, बट चलो अभी चलते हैं वापस हाईवे की तरफ गांव से बाहर। जब तुम लोग मोहन से नीचे को आए कुछ दिखा नहीं था, कुछ भी नहीं, डियर भी नहीं, डियर भी नहीं। ए, रात के समय ये है ना कि जहाँ तक लाइटें जा रही है वहीं तक ही दिखाई देता है, यहाँ पे मारा हुआ था स्पॉटेड डियर इसी कोने पे, इसी कोने पे आपने अगर वीडियो देखी होगी तो इसी कोने पे मार के रखा हुआ था, मतलब खाया हुआ भी था, मतलब थोड़ा सा खाया था, पूरा का पूरा ऐसे छोड़ गया था और दूसरे दिन आया उसे लेकर चला गया। सुबह के समय इन जगहों तक पूरे स्पॉटेड डियर मिलते हैं। आपको उस टाइम बाद सुबह के समय मॉर्निंग वॉकिंग पे आऊंगा ना तो रिकॉर्डिंग करके दूंगा। बहुत सारी गाड़ी घूमती है सिर्फ इसी वजह से, सारे इसी वजह से घूमते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे की तरफ, तो हाईवे तो अपने यहाँ पे है सिंगल लाइन, और ये कुछ तूफान से अभी पेड़ों की टहनियाँ जो गिरी हुई है ये नजर आ रही है।